बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी दिया तो हम कई करें, तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर दूसरी बेलपत्री बाबा देवादित्य महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर, और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठो, दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहाँ हो गया, जम के बोलो जम के उत्तर में, तो तुम जब यहाँ बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहाँ से पानी बहकर जा रहा है यहाँ बैठोगे, और जब आप जल समर्पित करोगे जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना, ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा निश्चित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, बहुत समय हो गया पूजा करते हुए अभिषेक करते हुए फिर भी भगवान नहीं सुन रहे, तो इस छोटे से उपाय को लगातार 2 से 3 महीना जरूर करके देखे, क्योंकि साथियों 1 या 2 बार करने से कोई भी मनोकामना नहीं पूरी होती है, यह तो आप भी जानते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है जिसे लगातार अगर 2 या 3 महीना करते हैं तो जरूर और जरूर कामना पूरी होती है और काम जरूर बनेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी तरह से उपायों से संबंधित वीडियोस आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होती रहती है। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।